प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए, हम सब के जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए एक विधा का विधान किया। उसका नाम है योग। योग के द्वारा ही हम लोग रोगों से बच सकते हैं, आए हुए रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निवयम् शरीरम्। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को योग के अग्नि में तपा लेता है तो वह जरा मृत्यु से, रोग से बच सकता है। तो इससे बढ़कर के मनुष्य को चाहिए भी क्या? आज पूरी दुनिया के अंदर इन रोगों से बचने के लिए जितने भी उपायों को किए जा रहे हैं, योग सबके लिए सहयोगी है। इमरजेंसी के रूप में आप किसी भी पैथी का आलंबन कर रहे हैं, या आप क्रिटिकल कंडीशन में हैं, या आप अलग अलग देशों के अनुसार अलग अलग पैथी का अनुसरण और पालन कर रहे हैं, तो भी योग को सहयोगी चिकित्सा के रूप में, सहयोगी विधा के रूप में आप अपना सकते हैं। तो इससे बढ़कर के मानवता के लिए कोई हित की बात नहीं हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर के ऐसी परम पावनी विद्या, ऐसे परम कल्याणकारिणी विधा, इस योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए प्रयास करें, मानवता को प्रेरित करें कि मनुष्य मात्र योग से जुड़े। क्योंकि योग किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अभी तो योग मनुष्य मात्र के लिए है। इस विषय में हमको इस बात के लिए गर्व है, गौरव है हमें, कि योग की विधा का अनुसंधान, योग के विधा के जिन्होंने जो प्रादुर्भाव किया, वो ऋषि हमारी इस वैदिक सनातन संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए महापुरुष थे। उन ऋषियों के कारण से हमको योग विधा प्राप्त हुई, परंतु उन ऋषियों ने योग को किसी भी तरह की धर्म या किसी भी तरह के मत पंथ संप्रदाय के आवरण से उसको बाहर कर दिया। यानी कि योग मानवता के लिए, योग मनुष्यत्व को जगाने के लिए, योग मानव को मानव बनाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए योग को किसी सांप्रदायिक की चश्मे से देखने की जगह पर योग की विधा के वैज्ञानिकता को समझ करके जीवन में अपनाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। यदि ऐसा प्रयास हम करते हैं तो निश्चित रूप से उस योग के माध्यम से हम अपना और अपने समाज का, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का कल्याण करने में सक्षम हो सकते हैं। समत्तम योग उच्यते, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस समता की प्राप्ति, सर्वत्र जो व्याप्त अशांति है उससे, उसकी समाप्ति के लिए भी योग के आश्रय को ही महत्वपूर्ण माना है। आज इस कोरोना के कारण से लोग विविध तरह के अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। चारों तरफ एक अवसाद का वातावरण निर्मित हो रहा है। उससे भी बचने का यदि कोई साधन है, कोई उपाय है, तो वो मात्र योग ही एक साधन है, एक उपाय है। तो इसीलिए इस पूरे विश्व के अवसाद को समाप्त करने के लिए, इस अवसाद से लोगों को बाहर निकालना चाहते हो, तो एक ही उपाय है कि आप स्वयं योग करिए, औरों को भी योग के लिए प्रेरित करिए। हम सबको मिलकर के वैश्विक एकता के लिए, समन्वय के लिए जो कार्य करना है, ये हम सबका एक बड़ा लक्ष्य और बड़ा उत्तरदायित्व है। इस कार्य को भी हम यदि पूरा कर सकते हैं तो योग के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। तो योग में हम यदि स्थित होते हैं तो भेद समाप्त होता है, भेद समाप्त होता है तो समाज में एकता, समन्वय की भावना हमारे मन में जागृत होती है। आज विविध तरह के छोटे छोटे स्वार्थों के कारण से, छोटे छोटी भ्रांतियों के कारण से, छोटे छोटे हमारे अलग अलग विचार धारणाएं और अवधारणाओं की वजह से हमने समाज को बांटने का जो काम जो लोग कर रहे हैं, उन सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, हम आह्वान करते हैं कि आप योग से जुड़ते हैं। योग से जुड़ने के बाद में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, एम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, कि ये जो ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा पंथ है, मेरा संप्रदाय है, ये मेरी मान्यताएं, ये तेरी मान्यताएं हैं, इस तरह की अवधारणाओं ने समाज को और अशांत किया हुआ है। हमारी संवेदनाएं,
हमारी सहनशीलताएं, हमारी शक्ति कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है, समाप्त होती जा रही है। उस शक्ति को भी यदि हम समाप्त होने से बचाना चाहते हैं, समाज की जो संगठनात्मक शक्ति को भी जोड़ना चाहते हैं, तो हमें मानवता को, मनुष्य को योग से जोड़ना होगा। तो इस 21 जून के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक दिन के लिए योग नहीं अपितु सदा के लिए है योग, इस अवधारणा के साथ में, इस विचार के साथ में हम आगे बढ़ें, जिससे कि हम इस योग के द्वारा पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकें। क्योंकि योग न केवल साधना का उपाय है, योग है रोग मुक्ति का भी एक उपाय है। दूसरी पैथियां जहां बीमार होने के बाद में चिकित्सा की बात करती हैं, बीमार होने के बाद में हम उन उपायों के द्वारा निरोग होने का प्रयास करते हैं, पर योग और आयुर्वेद ऋषियों की ऐसी विधाएं हैं, ऋषियों का ऐसा हम सब के लिए, मानवता के लिए एक अमूल्य देन है कि हम रोगी होने से भी बच सकते हैं। शारीरिक रोगी ही नहीं, हमारे जो मानसिक, कायिक, वाचिक जो विकार हैं, जो हमारी व्याधियाँ हैं, उन व्याधियों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब एक बने, नेक बने, योग के मार्ग पर चलें, योग पर मार्ग पर चल करके स्वयं निरोगी होकर के पूरी दुनिया को निरोग बनाने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि यही सबके लिए जरूरी है, यही कमनीय है, यही प्रार्थनीय है। तो इस प्रार्थना को हम सारे मिलकर के, जो भगवान वेद ने कहा, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भो मनांसि जानताम, इस संकल्प के साथ में, इस उद्घोष के साथ में कि हम सब लोग मिलकर के चलें, बोलें, ज्ञानी बने, उस ज्ञान के द्वारा योग का पालन करें, योग का अनुसरण करें, योग के अनुसरण के द्वारा इस विश्व को सुंदर बनाएं, परमात्मा की इस सृष्टि को सुंदर बनाने का यह हमारा सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य को यदि हम पूरा कर सकते हैं तो योग मार्ग के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। पुनः मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, विश्व में एकता चाहिए, समन्वय चाहिए, चाहे हमारे देह में रोग मुक्ति के लिए हमको कोई उपाय चाहिए, तो निश्चित रूप से योग से बढ़कर के कोई भी साधन नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए आत्म साधना की बात की, आत्म कल्याण से जग कल्याण की बात की। योग का मार्ग ही ऐसा है, वह स्वयं तपते हुए लोगों को संताप से मुक्त करने की सोचता है। जो योगी होता है, हमारे परम श्रद्धे आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य प्रवर ने भी, आचार्य जी ने भी हम सबको यही तो संदेश दिया, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पर हम जग को तो सुधारने की सोचते हैं, अपना सुधार हम कहीं भूल जाते हैं। योग इसीलिए कहता है आत्मानं विद्धि कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि तुम पिंड को जान लोगे तो ब्रह्मांड का बोध तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, परंतु मानसिक की, शारीरिक की अपनी उन्नति करना ये परम कर्तव्य या प्रथम आवश्यकता बताया गया है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हम इसीलिए प्रार्थनाओं में भी हम यही तो कहते हैं, या आत्मदा बलदा, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तू आत्मज्ञान का देने वाला है, तू बल का देने वाला है। वेद भगवान भी इसी तरह की बातें हमको बताते हैं, यानी कि हम यदि दुनिया का भला चाहते हैं तो पहले आवश्यकता है कि हम अपने आप में इतने सक्षम बने, ऐसे सक्षमता, ऐसी पात्रता तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम योग मार्ग का अनुसरण करेंगे, योग का आचरण करेंगे, योग को जीवन में धारण करेंगे। तो आइए इस पावन दिवस पर, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन उपलक्ष्य में हम सब संकल्पित हों कि हम योग को धारण करते हुए संसार के मंगल कामना के लिए, कल्याण के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे जिससे इस पूरे दुनिया में एकता स्थापित हो, समन्वय स्थापित हो, सबके मन में प्रेम हो, सबके हृदय में करुणा हो और सबके अंदर विश्व के कल्याण की कामना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सबके मंगल कामना के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और यह योग दिवस हम सबके लिए कल्याणकारी हो, यही प्रभु से बहुत प्रार्थना। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, ओम।